प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की प्रॉब्लम है, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करो। आपको एक प्रतिबंध दिया हुआ है, ये इस प्रतिबंध की सहायता से आपसे tan थीटा का मान ज्ञात करवाया है। तो इस प्रॉब्लम को वैसे तो हम कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो विधि मेरे विचार से सरल है वो विधि आपको बता रहा हूं। यदि आपको कोई दूसरी विधि आती हो और वो आपको सुगम और सरल लगती हो तो आप उससे करें। तो इस प्रकार प्रॉब्लम को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा दिया है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब हम प्रयास ये करेंगे कि यहाँ पर ये sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पर जो cos स्क्वायर थीटा है, या तो इसका हम sin स्क्वायर थीटा बना लें या इसका हम cos स्क्वायर थीटा बना लें, या किसी प्रकार से इस प्रकार से परिवर्तन करें कि यहाँ पर जो है वह केवल या तो sin स्क्वायर थीटा दिखलाई दे या cos स्क्वायर थीटा दिखलाई दे। तो इसके लिए हमने ये किया, हम जानते हैं cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर a के। तो इस cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो हमें फल प्राप्त होता है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 ब्रैकेट बंद 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब वो ये ब्रैकेट से पहले 3 जो लिखे हैं, 3 जो लिखे हुए हैं, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसलिए इस 3 से इस ब्रैकेट के अंदर जो दो पद है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों पदों की गुणा की जाएगी और हमारे लिए फिर नई लाइन प्राप्त होगी 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब LHS में जो है ये 7 sin स्क्वायर थीटा जो है ये पॉजिटिव है और 3 sin स्क्वायर थीटा जो है ये नेगेटिव के हैं। इन्हें सॉल्व करने के बाद हमारे लिए फल प्राप्त होगा LHS में 4 sin स्क्वायर थीटा और ये बराबर इक्वल टू 4 ये आ जाएंगे RHS में, और ये 3 जो LHS में पॉजिटिव के हैं इसको हम RHS में ले जाएंगे तो ये नेगेटिव के हो जाएंगे, तो माइनस 3 ये प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें फल प्राप्त होता है 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3। RHS में जब सॉल्व करेंगे यहां पर हम तो 1 प्राप्त होगा हमारे लिए, तो फिर लाइन नई लाइन प्राप्त होती है 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हमारे लिए लाइन प्राप्त होती है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब हम sin थीटा का मान निकालेंगे इससे। तो sin थीटा का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों का हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो LHS में हमें फल प्राप्त हो जाएगा sin थीटा और RHS में प्राप्त होगा प्लस माइनस 1/2। अब प्रायः जब तक कोई प्रतिबंध नहीं देता है तब तक हम न्यून कोण की बात करते हैं, अधिक कोण की बात नहीं करते हैं या अन्य कोणों की बात नहीं करते हैं, पहले चतुर्थांश के अंतर्गत ही अपना अध्ययन करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है sin थीटा बराबर हमने प्लस 1/2 मान लिया है, माइनस का 1/2 जो है उसको छोड़ दिया है। तो हम जानते हैं 1/2 जो होता है 30 अंश के लिए sin की वैल्यू होती है, तो इससे हमें फल प्राप्त होता है sin थीटा बराबर sin 30 अर्थात थीटा बराबर 30 डिग्री। इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को हम जो प्रतिबंध दिया हुआ था उस प्रतिबंध को सॉल्व करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर 30 डिग्री मानी जाएगी। अब हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan 30 के, क्योंकि थीटा के स्थान पर हम 30 पुट करेंगे तो हमारे लिए प्राप्त होगा tan 30 और हम जानते हैं tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो इस प्रकार से tan 30 डिग्री की वैल्यू लगा देंगे 1/√3 तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3 उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। इस प्रश्न को सॉल्व करने की और भी बहुत सी विधियां हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं। जो विधि आपको सरल लगे, सुगम लगे, उससे आप करिए। आप ये मत सोचिए कि यही विधि सही है या वही विधि सही है, जो विधि से आप करें वह विधि होना सही चाहिए। ठीक, तो आप ये प्रश्न पूरा हो गया, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।